जब से दिलवाएगी तुमको जन्नत नमाज। الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله प्यारे प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर हम आपको अपने प्रोग्राम आए नमाज सीखे में खुश आमदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं और तैयार हो जाइए नमाज से मुतालिक, वुजू से मुतालिक बहुत सारी प्यारी प्यारी मालूमाती बातें सीखने के लिए। आपने तवज्जो के साथ मुकम्मल प्रोग्राम देखना है इंशाल्लाह। अगर मुकम्मल प्रोग्राम देखेंगे हमारी मालूमात में बहुत सा इजाफा होने जा रहा है, लेकिन तवज्जो के साथ आपने सुनना भी है और जो बातें आपके सामने बयान की जा रही हैं उनको आपने याद रखने की कोशिश भी करनी है। सबसे पहले अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक की फजीलत। अल्लाह के आखिरी नबी नबी हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ने के बेशुमार फजाइल व बरकात। हजरत अबुल हसन शाजली रहमतुल्लाह ताला बहुत बड़े अल्लाह पाक के वली गुजरे हैं। एक बार आप कहीं से जा रहे थे, आपके सामने खतरनाक दरिंदा आ गया, आपको अपनी जान का खतरा महसूस हुआ कि पता नहीं क्या होगा, कोई बज़ाहिर आपके पास बचने वाली सूरत भी नहीं थी। आपने क्या किया, आपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया। आपने जैसे ही हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ा, आपकी जान बच गई। अल्लाह पाक ने आपको उस दरिंदे से और उसके शर से महफूज फरमा लिया। तो कहते ना, दुखों ने तुमको जो घेरा है तो दुरूद पढ़ो, जो हाजिरी की तमन्ना है तो दुरूद पढ़ो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए प्यारे बच्चों, पहले नमाज से मुतालिक एक कलाम का एक शेर अपने शामिल प्रोग्राम करते हैं। चलो नमाज पढ़े, चलो नमाज पढ़े, चलो नमाज पढ़े, चलो नमाज पढ़े। मैं क्या बताऊँ क्या है हकीकत नमाज की, हकीकत नमाज की। मैं क्या बताऊँ क्या है हकीकत नमाज की, हकीकत नमाज की, नमाज की। अल्लाह की रिजा है मोहब्बत नमाज की, अल्लाह की रिजा है मोहब्बत नमाज की। चलो नमाज पढ़े, 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 चलो नमाज पढ़े। सुभान अल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे बच्चों, जन्नत की चाबी नमाज है और नमाज की चाबी तहारत है। नमाज के छह शराइत हैं जो हमने आपके सामने बयान किए थे और उसमें जो पहली शर्त है वो है तहारत। क्या है? तहारत। जी हाँ, और तहारत का जो अहम तरीन एक हिस्सा है वो है वुजू। क्या है? वुजू। हाँ, तो इसीलिए वुजू दुरुस्त होना जरूरी है। अगर आपका वुजू सही नहीं हुआ तो आपकी नमाज भी दुरुस्त नहीं होगी, इसीलिए वुजू को सही करना, वुजू को दुरुस्त करना जरूरी है। पिछले प्रोग्राम में हमने आपके सामने वुजू का प्रैक्टिकल यानी अमली तरीका करके सिखाया था कि आपको वुजू में क्या क्या एहतियातें करनी है, नलका किस तरह से खोलना है, हाथ कैसे धोने हैं, पोंछों तक हाथ किसे कहा जाता है, फिर कुल्ली नाक में पानी चढ़ाने का तरीका बहुत तफसील के साथ आपके सामने बयान करने की कोशिश की थी। और शायद आपको याद हो, जो बच्चे कंटिन्यू प्रोग्राम देखते रहते हैं उनको शायद याद हो कि हमने चेहरा धोने तक का तरीका बता दिया था,
जिसमें आपने ये देख लिया होगा कि किस तरह से हाथ धोते हैं, कुल्ली करते हैं, नाक में पानी चलाते हैं, जो इससे मुतालिक बातें होंगी इसके साथ मजीद इसको शामिल करने की कोशिश करेंगे। तो शायान भाई, आपने क्या था पिछली बार जो हमारा वजू का प्रैक्टिकल हुआ था, कहाँ तक कर लिया था? चेहरा धोने तक। चेहरा धोना तक कर लिया था ना, तो इसके आगे फिर सिखाएं बच्चों को, रेडी हैं आप? इससे आगे फिर हाथ धोना है, मसा करना है, पांव धोने हैं, ठीक है? तो तरीका सिखाने के लिए तैयार हैं आप? तो काम कर लें, इनकी चेयर यहाँ पर ले आए और आप वहाँ पर चले जाएं। अच्छा शायन भाई, आपने आस्तीने, चलो अच्छा हुआ आपने ऊपर कर ली है। तो प्यारे बच्चों, आपने आस्तीने ऊपर रख ली है, ठीक है? वुजू जब करने के लिए आप जाओगे ना, तो आस्तीने ऊपर कर लेनी है, इमामा टोपी वगैरह भी उतार लेना है। तो इन्होंने, हमारे शायन भाई ने आस्तीने ऊपर कर ली है, और पहले चेहरा एक बार धोकर दिखा दें ताकि फिर हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? और तीन मरतबा आपने चेहरा धोना है भाई, आपने भी तवज्जो के साथ देखना है, ठीक है? चेहरा किस तरह से धोते हैं शायान भाई करके बता दें। जी शाह साहब। फिर बिस्मिल्लाह पढ़कर नल खोलेंगे। जी, फिर खोल लिया, पानी लेंगे, फिर बंद करेंगे। ठीक है, कर दिया। तो थोड़ा सा पानी दोनों हाथ में ले लेंगे। दोनों हाथों में ले लिया। फिर पेशानी से लेकर जी कितनी मरतबा धोएंगे? तीन मरतबा। तीन मरतबा धोएंगे, ठीक है? आंखों को जोर से बंद तो नहीं करना ना, कुछ बच्चे आंखों को जोर से बंद कर रहे होते हैं, तो आंखों को जोर से बंद भी नहीं करना है, ठीक है? ये चेहरा आपने तीन मरतबा धोना है, धोए जरा तीन मरतबा धो के बताएं कैसे करना है। नल खोलेंगे, फिर सीधे हाथ में पानी लेंगे, फिर नल बंद करके दोनों हाथ में पानी लेंगे। जी ठीक है, इस तरह दो बार हो गया माशाल्लाह। और फिर से पानी लेंगे जी, ये तीसरी मरतबा जी, फिर नल बंद करके, ठीक है? हाँ ये हो गया। अच्छा अच्छा, ये एक बात मैं आपके साथ यही हम रोक के जरा करते हैं कि वुजू के कितने फराइज है बच्चों? चार फराइज है वुजू के, ठीक है ना? तो उसमें पहला फर्ज क्या है? चेहरा धोना। अब इन्होंने चेहरा धोया है ना, ये वुजू का पहला फर्ज है। इससे पहले सुन्नतें चल रही थी, हाथ धोना, कुल्ली करना, नाक में पानी चढ़ाना, ये सुन्नतें चल रही थी, ठीक है? अब इन्होंने वुजू का पहला फर्ज अदा कर लिया है और चेहरा धो लिया है। अब इसके बाद हाथ कैसे धोएंगे जरा बताइएगा? पहले नल खोलेंगे जी, फिर इसको ऐसे धोएंगे, नल के नीचे हाथ रखेंगे, ठीक है? नल के नीचे, ठीक है? यहाँ तक धो लेंगे जी। ये कितनी मरतबा धोना है? ये तीन मरतबा। तीन मरतबा धोना है। आप ये देखिए प्यारे बच्चों, ये जो जगह है ना, ये जगह खुश्क रह जाती है। बड़े लोग भी बाज़ औक़ात जो है ना, इस जगह को सही धोते नहीं। ये जगह भी धुलना, क्योंकि ये कोहनी है और कोहनी समेत आपने धोना है, न कि कोहनी तक धोना है, तो इसीलिए इसको भी धोना जरूरी है। तो ये हमारे शाह साहब बता रहे हैं कि यहाँ तक, सही साहब बता रहे हैं कि यहाँ तक जो है कोहनी के ऊपर तक धोना है। कितनी मरतबा धोया? तीन मरतबा धोया, ठीक है? तो और इसके बाद फिर क्या करेंगे? सीधे हाथ को धो लिया, आप क्या करेंगे? फिर उल्टा हाथ को धो। उल्टा हाथ धोएंगे जी, उल्टा हाथ भी धो के दिखाएं इस तरह। अच्छा, हो सके तो यहाँ तक धो लें, हो सके तो यहाँ तक धो लें, जितना ज्यादा ऊपर तक धोएंगे तो अच्छा है, ठीक है? कुछ बच्चे हाथ ऐसे करके ऐसे कर लेते हैं, कुछ बच्चे इधर तक हाथ नहीं धोते, क्या ऐसे वजू हो जाएगा? देखिये ये जो तरीका है ना, ये तरीका सही नहीं, पता है क्यों? इसकी वजह ये है कि ये जो है ना, आप पानी जब यूं लेके छोड़ोगे ना, तो पानी यहाँ से साइडों से बहता चला जाएगा, लेकिन पूरे हाथ नहीं धुलेंगे, कोहनी भी सही तरीके से आपके नहीं धुल सकेंगे, ठीक है ना? तो इसीलिए वो तरीका जो हमारे सही सब बता रहे हैं शायन भाई, उस तरीके से आपने धोना है, यानी नल के नीचे हाथ रखकर धोएंगे ना, तो ये पूरा आपका हाथ दुरुस्त तरीके से धुल जाएगा। अब मसला पता है क्या होगा? अगर एक बाल के बराबर भी जगह खुश्क रह गई ना, आपको वजू नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों, जिन आज़ा को धोना जरूरी है, चेहरे को, हाथ को, पांव को धोना जरूरी है ना, तो आपने ये ख्याल रखना है कि आपका एक बाल के बराबर भी कोई जगह खुश्क ना रह जाए, इस बात का ध्यान रखना जरूरी है आपको। प्यारे बच्चों, हो सके तो वजू के दौरान या तो या कादिरु पढ़ते रहें। क्या पढ़ते रहेंगे? या कादिरु। आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रहा है या कादिरु लिखा हुआ। जी हाँ हुजूर, मेरा आपसे ये सवाल है, या कादिरु पढ़ने का फायदा क्या होगा? हाँ, सवाल तो आपने अच्छा पूछा है भाई, कि या कादिरु पढ़ने का क्या फायदा होगा? जैसे खाने के दौरान क्या पढ़ते हैं? या वाजिदु। क्या पढ़ते हैं? या वाजिदु। क्या पढ़ते हैं? या वाजिदु। हाँ, खाने के दौरान या वाजिदु पढ़ना चाहिए, क्योंकि लुकमा जो है पेट में जाकर नूर बनता है। क्या बनता है? नूर। हाँ देखिए, अल्लाह का जिक्र करने का तो फायदा अपनी जगह पर है, लेकिन बाज औकात मखसूस औकात में जब उनका विर्द किया जाता है, तो उसका अलग एक फायदा और उसकी एक अलग फजीलत हुआ करती है। तो वुजू के दौरान अगर आप या कादिरु पढ़ेंगे, अमीर अहले सुन्नत ने लिखा है कि इंशाल्लाह इसकी बरकत से
आपको कोई अगवा नहीं कर सकेगा। क्या फायदा होगा? आपको कोई अगवा नहीं कर सकेगा। हाँ, तो कोशिश हमारे बच्चों को तो लाजमी है पढ़ना चाहिए। वुजू के दौरान क्या पढ़ेंगे? या कादिरू। क्या पढ़ेंगे? या कादिरू। या कादिरू क्या पढ़ना है? या कादिरू। और कहीं कहीं आप दुरूद शरीफ भी पढ़ सकते हैं, ठीक है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप कहीं कहीं पर दुरूद पाक भी पढ़ सकते हैं, ठीक है? तो या कादिरू पढ़े, दुरूद पाक पढ़े, इंशाल्लाह इसकी बरकत हासिल होगी, ठीक है? तो या कादिरू कहने का ये फायदा है, ठीक है सही साहब? तो अब जो है दोनों हाथ धो लिए आपने, अब इसके बाद क्या करना है? इसके बाद मसा करना है ना। अब मसा करने के लिए आपके सर पर इमामा है, आप इमामा इनको दीजिए। बेटा आप इमामा ले लें जरा, इनका पकने थोड़ी देर। प्यारे बच्चों, मैं आपको दो दो तरीके, मगर मैं आपको एक तरीका बताऊँ। एक एक तरीका ये वाला है जो थोड़ा सा मुश्किल है, और एक तरीका ये है जो आपको आसान लगता होगा, तो इसीलिए मैं आपको ये तो आपने बहुत अच्छा किया हसन शाह साहब, बहुत अच्छा किया शायान भाई आपने, कि वो तरीका बता रहे हैं जिससे बच्चों को आसानी हो। प्यारे बच्चों, शायान भाई आपको आसान तरीका सिखा रहे हैं, आपने इसी को फॉलो करना है, ये बात ध्यान में रखिएगा, ताकि आपका मसा दुरुस्त हो सके। बच्चों को हमने देखा है कि वो ना मसा करते वक्त थोड़ा सा बेएहतियाती कर रहे होते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा जो तरीका आपको बता रहे हैं ये, इसके मुताबिक आपने जो है वुजू करना है। जी शायान भाई, नल खोल के एक हाथ में पानी लेंगे, फिर नल बंद करके दोनों हाथ में पानी डालेंगे जी, ठीक है? फिर दोनों हाथों को यूं करके जहां से बाल उगते हैं यहां से लेकर पूरा ये पीछे तक। एक तरीका ये है कि बीच में से लेकर जा रहे हैं, फिर यूं लेकर आ रहे हैं, इसकी जगह आप ये बता रहे हैं कि पूरा जो है ऐसे लेकर चले जाए। एक काम ना करें, इनमें से किसी से मसा करवा के देखते हैं, देखते हैं कि उसको कितना समझ में आया है ना। आपने जो समझाया है ये हमें ऐसे अंदाजा होगा ना कि इन बच्चों को भी आ रहा है नहीं आ रहा है, तो इनमें से किसी से हम करवा के देखते हैं, क्या ख्याल है? चलें। अच्छा भाई, आप अब तरीका जरा करके बताएं, जो शायान भाई ने तरीका करके दिखाया है ना वजू मसे का, तो अब आपने करके दिखाना है कि मसा कैसे करते हैं, ठीक है? हमें अंदाजा हो कि ये मसा का तरीका सही तरीके से बच्चों को समझ में आया है या नहीं आया, ठीक है? तो भी उतारें जरा अपनी। पहले हमें नल खोलना है, फिर सीधे हाथ से पानी उठाना है जी, फिर दूसरे हाथ में डाल के, ठीक है? तो फिर हमें यूं करना है, ये यहाँ से, ये ऊपर से यहाँ तक। वेरी गुड, ठीक है? यानी सर के बाल जहाँ से उगना शुरू होते हैं वहाँ से लेकर पीछे तक ले जाओ। अगर किसी के सर पर बाल नहीं ना हो वो मसा कहाँ से करेंगे? हाँ यार, ये सवाल भी इन्होंने शायन बड़ा अहम पूछ लिया। आपने तो बताया कि बाल जहाँ से उगते हैं वहाँ से वो मसा करें, अब जिसके सर पर बाल ही ना हो, ऐसा होता है ना, छोटे बच्चों के बाल हलक हो जाता है, हलक करवा देते हैं, कटवा दिए, या है ही नहीं सर पर बाल, तो बड़ी जो ना अहम सवाल पूछ लिया इन्होंने। तो इसके लिए जो है ना ये करेंगे कि जहाँ से आदतन बाल उगना शुरू होते हैं, उलमा ने जो फरमाया ना, आदतन बाल उगना शुरू होते हैं। आदतन बाल उगने का मतलब ये है कि जैसे एक पेशानी का हिस्सा है ना, यहाँ पर तो किसी के बाल होते ही नहीं है, है ना, यहाँ तो किसी के बाल होते ही नहीं है। अब इसके इस हिस्से के बाद जहाँ से बाल स्टार्ट हो रहे हैं ना, जो बालों वाले हैं उनके बाल जहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, तो उतना अंदाज़ा कर लेंगे और वहीं से फिर वो मसा करना शुरू करें। जी शायन भाई, मसा तो हो गया सर, अभी बालों का मसा हुआ है, अभी कान का मसा और कान के सुराखों में उंगलियां दाखिल करना, गुद्दी का मसा, ये सारी चीजें बाकी है, ये भी जरा बताएं ना हमारे बच्चों को। जी हम लोग ने सर का मसा कर लिया, अभी इसके बाद कान का मसा करेंगे जी। अब ये जो दो उंगलियां हैं जी, इसको कान के सुराख में दाखिल कर दिया, कान के सुराख में दाखिल करके इसको अच्छी तरह से मसा करेंगे। और अब ये दो शहादत की उंगलियां हैं, इसे यहाँ अंगूठा है ये जो, ठीक है, ये दोनों से ये कान की जो खुश्क है कान की पुश्त का मसा करना है। वेरी गुड, जबरदस्त हो गया। अब इसके बाद गुद्दी का मसा भी करना है, कैसे करेंगे? ये तो पूरा यूज हो गया, अब क्या करें, कहाँ से मसा करें? ये जो हाँ प्यारे बच्चों, अभी ये वाली जगह तर है, इसको कहते हैं हाथों की पुश्त, ठीक है? अब इससे आपने जो है गुद्दी का मसा करना है। अभी आपको गुद्दी का मसा करके बताएंगे कि गुद्दी का मसा कैसे करते हैं। जी स्टार्ट। ये जो हाथों की पुश्त है इनको ऐसे ऐसे और कुछ बच्चे जो यहाँ तक ला लेते हैं, यहाँ तक नहीं लाना, गर्दन का मसा नहीं करना है ना, ये गर्दन है,
बहुत अच्छी आपने तवज्जो दिलाई है। गर्दन का मसा प्यारे बच्चों नहीं करना है, गुद्दी का मसा करना है, यानी जो पिछला हिस्सा है ना सर के नीचे वाला, इसका करना है ना। ये जो गर्दन का हिस्सा है, गर्दन का मसा नहीं करना है। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही नहीं आ रही? अगर ना आ रही हो तो आप पूछ सकते हैं। गर्दन का मसा नहीं करना, बहुत ज्यादा डिटेल में आपको इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह समझाया है और उम्मीद है कि काफी हद तक बच्चों को समझ में आया होगा कि कान की पुश्त का मसा, कान के अंदरूनी हिस्से का मसा और सर का मसा कैसे करना है। ये अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया, क्योंकि धोने में तो चलो इंसान इजीली कर लेता है, लेकिन मसा करने में बाज़ों का प्रॉब्लम हो रही होती है। तो मसा इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से आपको करके दिखाया शाहिन भाई ने। अच्छा शाहिन भाई, ये हो गया हमारा सर का मसा, चेहरा भी धुल गया पहला फर्ज हो गया, दूसरा फर्ज दोनों हाथ भी धुल गए, और तीसरा फर्ज जो है वो चौथाई सर का मसा होता है, इन्होंने पूरे सर का मसा करके बता दिया है। और अब क्या है? अब टखनों समेत पांव, टखनों समेत दोनों पांव धोने हैं। आप इनका इमामा दे दीजिए ताकि इमामा पहन लें। अच्छा शायन भाई, अब धोने पांव, और ये वुजू का आखिरी फर्ज है, ठीक है ना। अब हमें पांव धोकर आप बताएं कि हमारे बच्चे पांव कैसे धोएं, ठीक है, और इस तरह से समझाएं कि हमारे बच्चों को समझ में आ जाए। जैसे आपने मसह का तरीका बताया ना, माशाल्लाह बहुत अच्छा बताया। अब आप ये बताएं कि पांव किस तरह से धोने, ठीक है, और अच्छी तरह से पांव धुल भी जाए, सुन्नत के मुताबिक हो जाए। जो ये उल्टा हाथ की छोटी उंगली है जी, इसे खलाल करना है, ठीक है। अच्छा, इसी तरतीब से करना है जिस तरतीब से आप कर रहे हैं? जी, मैं जो आपको बता रहा हूँ इसी तरतीब से करना है, ठीक है। यानी पहले ये वाली उंगली के बीच में, फिर ये वाली उंगली के बीच में जी, फिर ये जो अंगूठे जी, और ये जो इसके बाद वाली उंगली उसके बीच में, ठीक है। यानी ये खलाल इस तरह से इसी तरतीब से खलाल करना है, ठीक है। तो पूरे पांव को टखने समेत धो लेना, पूरे पांव को टखनों समेत धो लेना, धो के बताएं। इसको कहते हैं टखना, इसे कहते हैं, ठीक है। जरा धोकर बताएं, नल खोलें और जरा धोकर बताएं जी। पहले नल खोलेंगे बिस्मिल्लाह आहिस्ते से, फिर इसको, तो दोनों हाथों से धोना है? नहीं, उल्टा से। अच्छा, यूं धोना है उल्टे हाथ से, कहाँ तक धोना है? ये जहाँ टखनों समय थे ना जी, इस टखनों तक धोना है, ठीक है, टखनों से ऊपर तक धो लेंगे, ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया है। धोए जरा अच्छे तरीके से धोए, कितनी मरतबा धोना है इसको? इसको तीन मरतबा धोना है, ठीक है। इसके बाद अब क्या करना है? इसके बाद दूसरे पांव की जी, इससे खलाल करना है, ठीक है। अच्छा, अब तरतीब में यूं आ जाएगा ना, पहले आपने वहां से स्टार्ट किया था और उस पांव में आपने छोटी उंगली से स्टार्ट किया था जी, इस पांव में अंगूठे से स्टार्ट करना है, बहुत जबरदस्त। यहाँ से जी, फिर यहाँ जी, फिर यहाँ जी, फिर यहाँ जो छोटी उंगली है इसके बाद जी, इसके बाद आगे, इसके आगे नहीं करना है, नहीं, इस तरह जी पूरा, इसको भी उल्टे पांव से, उल्टे हाथ से धोना है जी। और कितनी मरतबा धोएंगे? तीन मरतबा धोएंगे, ठीक है। तो ये वुजू हो गया जी, ठीक है, वुजू माशाल्लाह हो गया प्यारे बच्चों, और बहुत अच्छे तरीके से माशाल्लाह शायन भाई ने आपको समझाने की कोशिश की है, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया हो। प्यारे बच्चों, ये था वुजू का तरीका, जो प्रैक्टिकली हमने कोशिश की है कि आपको समझाएं और सिखाएं, ताकि हम अपने वुजू को, अपनी नमाज को दुरुस्त करने में कामयाब हो सके। वुजू करने के बाद, वुजू के बाद की एक दुआ भी होती है, वो दुआ आप में से कौन सुनाएगा जो वुजू के बाद पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुततहिरीन। प्यारे बच्चों, मैं आपको एक और दुआ बता देता हूँ जो सूरतुल कद्र है, इसको आसमान की तरफ देखकर पढ़ेंगे तो कभी आपकी नजर कमजोर नहीं होगी। माशाल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी आपने दुआ बताई। किस वक्त पढ़ना है इसको? इसको वजू के बाद, वजू के बाद पढ़ना है। ये तो सूरह कद्र कौन सी होती है? इन्ना अंजलनाहु फी लैलतिल कद्र। माशाल्लाह, प्यारे प्यारे बच्चों, आपको एक और मुफीद बात पता चल गई, और एक और भी है, कलिमा शहादत पढ़ते है ना, ये कौन बताएगा? आप बताएंगे? चले जी, आप बताएं। उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो प्यारे प्यारे बच्चों, आज का आपने एपिसोड देखा, उसमें हमने वुजू का तरीका आपको समझाने की कोशिश की, कुछ दुआएं हैं वो भी हमने सीखने की कोशिश की। अल्लाह पाक हमें दुरुस्त तरीके से वुजू करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी नबीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि। से दिलवाएगी तुमको जन्नत नमाज। बच्चों का मदनी चैनल।